बिंदु कौन सी क्लास में पढ़ती? 8th में। 8th में तो किस तरह पापा घर पे दिनचर्या रहा करती थी? मतलब 10 दिन से बीमारी थे, पता नहीं चला, किसी ने गौर नहीं की ना, तो पता नहीं चला कि पापा ने कोई एक बार ठीक होकर के घर पे आ गए। हाँ, घर पे मतलब 8 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में ठीक थे, मतलब हॉस्पिटल में भी काफी बेटर थे, उसके बाद घर भी आए हैं, हमारे साथ हंसे हैं, खेले हैं, सब कुछ हुआ है। बट उसके बाद 19 तारीख को जैसे ही मतलब रात को भी पील हो गया और अचानक से फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद बोतल वगैरह लगी, फिर घर पे आ गए। सुबह मतलब पूरे येलो हो रखे थे, पीले हो रखे थे पीली की वजह से। फिर पर लोगों से हमने बातचीत की है तो जिस तरह से आपके फादर का नाम पूरी दुनिया के अंदर था, यहाँ के लोग ने बताया कि वो हमेशा हमारे दिलों के अंदर जिंदा रहेंगे, बेशक वो खुद नहीं है। क्या कुछ कहना? मतलब किसी का बुरा कभी चाहा नहीं मेरे पापा ने, बहुत अच्छे थे और कि कभी किसी कंट्रोवर्सी में भी नहीं पड़े, एक सरल स्वभाव के थे। हाँ, बहुत कभी मेरे को डांटा भी नहीं आज तक, किसी को कुछ कहा ही नहीं आज तक। बेटा आप अभी स्टडी कर रहे हो तो बड़ा आपका क्या एम रहने वाला है? आप भी क्या पापा की तरह एक सिंगर बनोगे? पापा का नाम अभी जितना है ना उसे डबल करूँगी मैं अब। जी तो स्थिति तो पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन डॉक्टर ने पहले रिलीज कर दिया था हमको कि आप जा सकते हो, अभी ठीक हैं, रिपोर्ट भी ठीक आई थी, लेकिन नेक्स्ट 5 डेज के बाद में उनका ट्रीटमेंट होना था दोबारा, मतलब चेकअप के लिए। और चेकअप के लिए कल मैं 21 तारीख को गया तो चेकअप करवाने के लिए, तो वहाँ पे जैसे रिपोर्ट आती है 12:30 बजे, तो रिपोर्ट आने के बाद में डॉक्टर बोलते हैं मामला थोड़ा सीरियस है, तो वेंटिलेटर पे उनको ले जाया गया और वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू किया गया। ब्लड की भी प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी, तो ब्लड भी चढ़ाया गया उन पे, तो उसके बाद में धीरे धीरे शाम को बस ज़्यादा सीरियस होते गए और डॉक्टरों ने रात के लगभग 11 बजे उनको बोल दिया कि अब जो भी है परमात्मा करेगा, हमारी बस की बात नहीं है। हमने कोशिश की थी हम कि दिल्ली या जयपुर कहीं भी बाहर चंडीगढ़ लेके चले जाएं इनको, लेकिन डॉक्टरों ने ये मना कर दिया था कि सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप ले जा सको। उस समय कोई सिंगर आपके पास में कलाकार? सिंगर बहुत सारे हरियाणा के जितने भी इंडस्ट्री के कलाकार हैं सभी उस वक्त हमारे कंधे से कंधे मिला के खड़े थे वो, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हम कहीं उसको भाई साहब को कहीं ले जा पाएँ। सोचा हमने, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अगर आप फर्स्ट से सेकंड फ्लोर भी अगर नीचे उतारते हो तो भी बहुत बड़ा रिस्क है। जब आप ही है राजू पंजाबी गाठ बंटाया करते थे गायकी के अंदर, अब है जो आपका एक यानी बात का एक कंधा चला गया, आगे किस तरह राजू भाई का है जो कारोबार के बढ़ाओगे आप? कंधा नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि मेरा सब कुछ चला गया। हरियाणा का, हरियाणा इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है एक मुझे। भाई साहब क्या भाई का जो नाम है, भाई का नाम अमर करने के लिए एक मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, परिवार है, बच्चे हैं पीछे। बिल्कुल, देखिए करेंगे मेहनत, कोशिश करेंगे कि भाई के नाम को हम कायम रखें और हरियाणा के सभी कलाकारों का सहयोग सदा रहा है और रहेगा भी। भाई साहब कितने भाई हो टोटल आप? हम 4 भाई। राजू भाई साहब कितने नंबर पे थे? सेकंड नंबर पे थे। तो भाई साहब सभी भाइयों के लाड़ लेते? सभी बिल्कुल लाड़ लेते जी। मम्मी पापा पहले ही एक्सपायर? हाँ, मम्मी पिछले कोरोना काल के अंदर उनकी डेथ हुई थी 25 मई 2021 को, और पापा 2009 को एक्सपायर हुए। सिस्टर भी है भाई साहब? हाँ, सिस्टर 3 हैं जिनकी शादी हो चुकी है हमसे पहले ही। आज राउचर गांव की बात करें या शहर की बात करें, बिल्कुल सुनासान लग रहा है, एक बड़ा झटका इस देश को लगा है। बिल्कुल बिल्कुल लगा है जी, और राउचर वासियों को ही नहीं पूरे भारतवासियों को झटका लगा है। बहुत से इनके फैन निराश हैं और भाई साहब के नंबर जितने भी सोशल मीडिया के मेरे पास चलते हैं तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया, उनको भी मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं कॉल अटेंड कर पाऊँ। और कल से आप अगर कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी कॉल अटेंड होगी। तो दोस्तों राजू पंजाबी की जो लड़की है उसका नाम बिंदु है, वो 7वीं कक्षा में पढ़ती है और राजू पंजाबी की कुछ मौत हुई, बड़ परिचय बता भी दियो है। तो
दोस्तों, मैं तो आई कहा कि राजू पंजाबी ने सत सत नमन है और भी मुलाम आगे खूब तरक्की कराया। तो दोस्तों वीडियो को तब तक करते हैं।